नमस्कार, आप देख रहे हैं मिथिलांचल का पहला डिजिटल न्यूज नेटवर्क न्यूज टुडे दरभंगा। खबरों का खजाना समेटे आपके साथ मैं हूं संतोष झा। शुरुआत हेडलाइंस। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं दगरू सेठ ज्वेलर्स, जीएम रोड नियर रेडियो स्टेशन दरभंगा। रोटी छोटी वन स्टेप अहेड, अ मल्टी कुशन फैमिली रेस्टोरेंट विथ हाइजीनिक किचन, अशोका कॉम्प्लेक्स, राजकुमारगंज, दरभंगा। रोज द मेडिसिटी एंड आईवीएफ सेंटर, दिग्घी पश्चिम, दरभंगा। उत्तम सेवाएं, संपूर्ण महिला चिकित्सा, आईवीएफ द्वारा संतान प्राप्ति की व्यवस्था। मेडिकल एवं इंजीनियरिंग परीक्षाओं के लिए फिजिक्स गुरु के सर द्वारा संचालित आइडियल पाथ, नाका 5, दरभंगा। ISO प्रमाणित मेट्रो IVF सेंटर, बाकरगंज, लहरिया सराय, दरभंगा। उत्तर बिहार का पहला एवं बिहार का उच्चतम सफलता दर वाला IVF सेंटर, डॉक्टर रूही यास्मीन, निसंतान रोग विशेषज्ञ। घर बैठे करिए पढ़ाई डिजिटल तरीके से, वह भी लाइव क्लास के द्वारा। डायनामिक फिजिक्स एजुकेशन बाय फिजिक्स गुरु डॉक्टर GP सिंह। न्यू अजंता स्वीट्स एंड कैटरर्स, भंडार चौक, कटहलबाड़ी, दरभंगा। सफलता के शानदार 10 वर्ष, विक्की TVS, भटियारी सराय, दरभंगा। FI टेक्नोलॉजी फ्रॉम TVS, इको ट्रस्ट FI यानी ETFI, जो दे 15% ज्यादा माइलेज। दार्जिलिंग पब्लिक स्कूल कबीरचक, दरभंगा। दार्जिलिंग के शिक्षकों द्वारा संचालित नर्सरी से 10वीं तक इंग्लिश मीडियम का उत्कृष्ट विद्यालय। आनंद बेकर्स एवं प्योर वेज रेस्टोरेंट, साल्ट एंड पीपर, टावर चौक, दरभंगा। हर आइटम हाइजीनिक किचन एवं सेफ्टी मेजर के साथ तैयार। त्योहारों की उमंग, अग्रवाल शॉपिंग मॉल के संग गणपति प्लाजा, लालबाग, हसन चौक, दरभंगा। साड़ी, किड्स वियर, सूट, सूट पीस, सूटिंग, शर्टिंग और मेंस वियर। दरभंगा की 5 दुकानें सील, मास्क को लेकर सड़कों पर स्वयं चेकिंग करने उतरे DM और SSP। बिहार में कोरोना के 713 नए मरीज, आंकड़ा 2,34,000 के बेहद करीब, टोटल एक्टिव केस 6,258। दरभंगा में भी बढ़ी संख्या, मिले 22 नए पॉजिटिव केस। DMCH में लगातार कलेक्ट किए जा रहे कोरोना के संदिग्ध मरीजों के सैंपल। भव्य शोभा यात्रा के साथ हुई त्रिदिवसीय मिथिला विभूति पर्व समारोह की शुरुआत, महापुरुषों की प्रतिमाओं पर माल्यार्पण, कोरोना गाइडलाइन का रखा जा रहा खास ध्यान। संध्या काल में आयोजित हुआ उद्घाटन सत्र, सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक जगत की जानी मानी हस्तियां रही उपस्थित। DM ने की नल जल योजना को लेकर ऑनलाइन बैठक, 20 दिसंबर तक पूर्ण करने का अल्टीमेटम। ताम्र पत्र से सम्मानित होंगे संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर शशिनाथ झा। मिथिला विश्वविद्यालय के सिंडिकेट की बैठक संपन्न, कुछ मुद्दों को छोड़ सभी प्रस्तावों पर लगी मुहर। पुलिस मुख्यालय पटना के आदेश पर चला समकालीन अभियान, 31 फरार आरोपी गिरफ्तार। मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक रोजगार योजना अंतर्गत आवेदनकर्ताओं को मिला एक और सुनहरा मौका। और 113वीं जयंती पर याद किए गए महाराजाधिराज डॉक्टर सर कामेश्वर सिंह, कामेश्वर सिंह कल्याणी फाउंडेशन ने आयोजित किया कार्यक्रम। और समाचार विस्तार के साथ, दरभंगा की 5 दुकानें हुई सील, मास्क को लेकर सड़कों पर स्वयं चेकिंग करने उतरे DM और SSP। मास्क को लेकर DM और SSP उतरे सड़कों पर। दरभंगा में 5 प्रतिष्ठानों को किया गया सील। COVID-19 कोरोना वायरस से बचाव और सुरक्षा के लिए बिहार सरकार द्वारा जारी आदेश के आलोक में सार्वजनिक स्थलों पर मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया गया है। साथ ही वैसे प्रतिष्ठान जहां के कर्मी या वहां उपस्थित ग्राहक मास्क पहने नहीं पाए जाते हैं, तो उस प्रतिष्ठान को 3 दिनों के लिए सील करने एवं जुर्माना अधिरोपित करने का प्रावधान किया गया है। मास्क अभियान के अंतर्गत आज जिलाधिकारी दरभंगा डॉक्टर त्यागराजन SM और वरीय पुलिस अधीक्षक बाबूराम SM दरभंगा शहर की सड़कों पर उतरे। उनके नेतृत्व में अनुमंडल पदाधिकारी दरभंगा सदर, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी दरभंगा सदर, थानाध्यक्ष लहरिया सराय द्वारा दरभंगा सदर अनुमंडल अंतर्गत लहरिया सराय क्षेत्र में संजय कुमार के 2 प्रतिष्ठान सुहागन ज्वेलर्स तथा 3 अन्य प्रतिष्ठानों को वहां के कर्मियों या उपस्थित ग्राहकों द्वारा मास्क का प्रयोग करते नहीं पाए जाने एवं सामाजिक दूरी का पालन नहीं करने पर 28 नवंबर से 30 नवंबर तक के लिए सील कर दिया गया है। इसमें गोविंद कुमार के न्यू सिमरन रेडीमेड लहरिया सराय, अनवर के रेडीमेड संगम लहरिया सराय एवं रंजीत कुमार के ज्वेलर्स महल लहरिया सराय शामिल हैं। जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन SM और वरीय पुलिस अधीक्षक बाबूराम SM प्रतिष्ठानों के अंदर प्रवेश कर उपस्थित ग्राहकों व प्रतिष्ठान के कर्मियों की उन्होंने जांच की। इस अभियान के दौरान पुलिस प्रशासन का पूरा अमला मौजूद था।
बिहार में कोरोना के आज 713 नए मरीज, आंकड़ा 2,34,000 के बेहद करीब, टोटल एक्टिव केस 6,258। बिहार में कोरोना के 713 नए मरीज, आंकड़ा 2,34,000 के बेहद करीब, टोटल एक्टिव केस की संख्या 6,258। स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी की गई रिपोर्ट के अनुसार बिहार में आज 713 नए मरीज मिले हैं कोरोना के, और इसके साथ ही कोरोना मरीजों की संख्या बिहार में 2,33,965 पर पहुंच गई है। हालांकि इनमें टोटल एक्टिव केस 6,258 है। सबसे अधिक पटना में 270, अररिया में 19, अरवल में 6, औरंगाबाद में 6, बांका में 4, बेगूसराय में 12, भागलपुर में 14, भोजपुर में 2, बक्सर में 7, दरभंगा में 22, पूर्वी चंपारण में 18, गया में 19, गोपालगंज में 10, जमुई में 5, जहानाबाद में 15, कैमूर में 7, कटिहार में 25, खगड़िया में 6, किशनगंज में 13, लखीसराय में 8, मधेपुरा में 12, मधुबनी में 15, मुंगेर में 8, मुजफ्फरपुर में 33, नालंदा में 17, नवादा में 3, पूर्णिया में 17, रोहतास में 7, सहरसा में 24, समस्तीपुर में 6, सारण में 10, शेखपुरा में 2, शिवहर में 4, सीतामढ़ी में 6, सीवान में 9, सुपौल में 22, वैशाली में 21 और पश्चिम चंपारण में 9 नए मरीज मिले हैं। दरभंगा में भी लगातार बढ़ रही संख्या, आज मिले 22 नए पॉजिटिव केस। दरभंगा में भी कोरोना मरीजों की संख्या में बड़ा उछाल, मिले 22 नए पॉजिटिव केस। स्वास्थ्य विभाग द्वारा दी जा रही जानकारियों के अनुसार दरभंगा में भी लगातार कोरोना मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है और यह लगभग प्रतिदिन डबल डिजिट में मरीज मिल रहे हैं। दरभंगा में आज 22 नए मरीज मिले हैं कोरोना के, और इसके साथ ही दरभंगा में भी कोरोना मरीजों की संख्या में बड़ा उछाल आया है। डीएमसीएच में लगातार कलेक्ट किए जा रहे कोरोना संदिग्ध मरीजों के सैंपल। लगातार कलेक्ट किए जा रहे हैं कोरोना के संदिग्ध मरीजों के जांच सैंपल। शनिवार को भी यह क्रम जारी रहा। डीएमसीएच के आइसोलेशन वार्ड और मेडिसिन आईसीयू में लैब टेक्नीशियन अकील अहमद ने कुल 11 कोरोना संदिग्ध मरीजों का जांच सैंपल लिया, जिसे आरटीपीसीआर जांच के लिए दरभंगा मेडिकल कॉलेज के माइक्रोबायोलॉजी विभाग में भेज दिया गया है। अकील अहमद लगातार कोरोना योद्धा के रूप में काम कर रहे हैं और उन्हें कई बार सम्मान भी मिल चुका है कोरोना योद्धा के रूप में। आज हम लोग आइसोलेशन में कोरोना संदिग्ध मरीजों का 10 सैंपल आरटीपीसीआर जांच के लिए लिए, और मेडिसिन आईसीयू में 1 कोरोना संदिग्ध मरीजों का जांच सैंपल लिए। सभी को ले जाकर के दरभंगा मेडिकल कॉलेज के माइक्रोबायोलॉजी विभाग में जांच के लिए ले जा रहे हैं। भव्य शोभा यात्रा के साथ हुई त्रिदिवसीय मिथिला विभूति पर्व समारोह की शुरुआत, महापुरुषों की प्रतिमाओं पर माल्यार्पण। शोभा यात्रा के साथ शुरू हुआ 3 दिवसीय मिथिला विभूति पर्व। महाकवि विद्यापति के निर्वाण दिवस कार्तिक धवल त्रयोदशी के अवसर पर विद्यापति चौक स्थित महाकवि विद्यापति की प्रतिमा पर मिथिला विश्वविद्यालय के कुलपति डॉ. सुरेंद्र प्रताप सिंह द्वारा माल्यार्पण के उपरांत कोरोना के सुरक्षा मानकों का पालन करते हुए निकाली गई भव्य शोभा यात्रा, और इसी के साथ 3 दिवसीय मिथिला विभूति पर्व समारोह की शनिवार को विधिवत भव्य शुरुआत हुई। मौके पर कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति द्वय पंडित देव नारायण झा एवं डॉक्टर विद्याधर मिश्र, पूर्व विधान पार्षद डॉक्टर विनोद कुमार चौधरी, मैथिली अकादमी के पूर्व अध्यक्ष पंडित कमलाकांत झा, वरिष्ठ साहित्यकार मणिकांत झा, विद्यापति सेवा संस्थान के महासचिव डॉक्टर वैद्यनाथ चौधरी बैजू, संस्थान के सचिव प्रोफेसर जीव कांत मिश्र, डॉक्टर विद्यानाथ झा, राम कुमार झा, शोभा यात्रा प्रभारी द्वय प्रोफेसर विजय कांझा एवं विनोद कुमार झा, संस्थान के मीडिया संयोजक प्रवीण कुमार झा, प्रोफेसर चंद्रशेखर झा बुढ़ाभाई, डॉक्टर गणेश कांत झा, डॉक्टर उदयकांत मिश्र, मिथिलेश झा, महानंद ठाकुर, आशीष चौधरी, गायिका डॉक्टर सुषमा झा आदि ने भी महाकवि की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की और शोभा यात्रा में भाग लिया। मिथिला की लोक परंपराओं एवं कोरोना की सुरक्षा को लेकर जागरूक करती मनोरम झांकियों के साथ आम मैथिल एवं मिथिलाक्षर साक्षरता अभियान के अभियानी कदम से कदम मिलाकर इस शोभा यात्रा में शामिल हुए। न्यूज टुडे पर खबरें अभी और भी हैं, वक्त एक ब्रेक का है, फौरन लौटेंगे। ज्वेलरी की दुनिया का चमकता सितारा, आभूषण जो चुरा लेंगे आपका दिल, दगड़ूसेठ ज्वेलर्स, जीएम रोड, रेडियो स्टेशन के निकट दरभंगा। हॉलमार्क ज्वेलरी की पूरी श्रृंखला, सोना चांदी एवं हीरों के मनमोहक आभूषण, किसना एवं जोरबा के डायमंड्स की अनोखी रेंज, आभूषणों की शुद्धता जांचें,
बिल्कुल मुफ्त। त्योहारों की उमंग अग्रवाल शॉपिंग मॉल के संग गणपति प्लाजा, लाल बाग, हसन चौक, दरभंगा। साड़ी, किड्स वियर, सूट, शूटिंग, सेटिंग और मेंस वियर। अग्रवाल मेंस टच, अग्रवाल साड़ी, अग्रवाल ड्रेसेस, एक्सक्लूसिव शोरूम ऑफ मान्यवर, ब्लैकबेरी एंड यूनिफॉर्म। केवल स्वाद ही नहीं, महसूस कीजिए खास एहसास। द करी नाइट्स फैमिली रेस्टोरेंट, दिल्ली मोड, NH 57, दरभंगा। फ्री होम डिलीवरी, वेज और नॉन वेज के सभी आइटम्स, कैटरिंग सर्विसेज एंड बैंक्वेट हॉल जो आपके हर फंक्शन को बनाएंगे यादगार। दरभंगा और लहेरिया सराय में खरीदिए अपने सपनों का घर। ओम बिल्डर्स एंड डेवलपर्स की पेशकश, रामेश्वरम एंड ओम गौरी अपार्टमेंट्स, 2 and 3 BHK सुपर डीलक्स फ्लैट्स, लग्जरी ऑल अराउंड विथ पार्किंग एंड ऑल एमिनिटीज, लिफ्ट की सुविधा के साथ रूफ टॉप स्विमिंग पूल और भी बहुत कुछ। सफलता के शानदार 10 वर्ष, विक्की TVS, भटियारी सराय, दरभंगा। FI टेक्नोलॉजी फ्रॉम TVS, इको ट्रस्ट FI यानी ETFI, जो दे 15% ज्यादा माइलेज। रेस ट्यून्ड FI यानी RTFI, जो दे बेटर रियल थ्रॉटल फील। हम बनाए जो आपका दिल चाहे। दरभंगा का पहला ISO प्रमाणित होटल एवं रेस्टोरेंट, स्वादिष्ट मल्टी कुजन फैमिली रेस्टोरेंट, V2 मॉल, मिर्जापुर, दरभंगा। सभी वेज नॉन वेज आइटम्स के साथ स्पेशल डिश की खूबियां। हर आयोजन के लिए 500 लोगों की क्षमता वाला एयर कंडीशन विवाह भवन, पूर्ण साज सज्जा और मॉडर्न फैसिलिटी के साथ। ब्रेक के बाद एक बार पुनः आप सबका स्वागत। बढ़ेंगे आगे, नजर एक बार फिर हेडलाइंस पर। दरभंगा की 5 दुकानें सील, मास्क को लेकर सड़कों पर स्वयं चेकिंग करने उतरे DM और SSP। बिहार में कोरोना के 713 नए मरीज, आंकड़ा 2,34,000 के बेहद करीब, टोटल एक्टिव केस 6,258। दरभंगा में भी बढ़ी संख्या, मिले 22 नए पॉजिटिव केस। DMCH में लगातार कलेक्ट किए जा रहे कोरोना के संदिग्ध मरीजों के सैंपल। भव्य शोभा यात्रा के साथ हुई त्रिदिवसीय मिथिला विभूति पर्व समारोह की शुरुआत, महापुरुषों की प्रतिमाओं पर माल्यार्पण, कोरोना गाइडलाइन का रखा जा रहा खास ध्यान। संध्या काल में आयोजित हुआ उद्घाटन सत्र, सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक जगत की जानी मानी हस्तियां रही उपस्थित। DM ने की नल जल योजना को लेकर ऑनलाइन बैठक, 20 दिसंबर तक पूर्ण करने का अल्टीमेटम। ताम्र पत्र से सम्मानित होंगे संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर शशिनाथ झा। मिथिला विश्वविद्यालय के सिंडिकेट की बैठक संपन्न, कुछ मुद्दों को छोड़ सभी प्रस्तावों पर लगी मुहर। पुलिस मुख्यालय पटना के आदेश पर चला समकालीन अभियान, 31 फरार आरोपी गिरफ्तार। मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक रोजगार योजना अंतर्गत आवेदनकर्ताओं को मिला एक और सुनहरा मौका। और 113वीं जयंती पर याद किए गए महाराजाधिराज डॉक्टर सर कामेश्वर सिंह, कामेश्वर सिंह कल्याणी फाउंडेशन ने आयोजित किया कार्यक्रम। संध्या काल में आयोजित हुआ उद्घाटन सत्र, संध्या काल में आयोजित हुआ उद्घाटन समारोह, गणेश वंदना के साथ हुई कार्यक्रम की शुरुआत। सृष्टि फाउंडेशन की नृत्यांगना प्रियांशी मिश्रा ने विद्यापति की अगली पंक्ति के कवि मैथिली पुत्र प्रदीप की कालजयी रचना जगदम्ब अहि अवलंब हमर गीत पर ओडिशी शैली में भाव नृत्य के माध्यम से कवि को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उपस्थित दर्शकों का मन मोह लिया। इस नृत्य के माध्यम से जगदम्बा के प्रति अगाध प्रेम को दर्शाते हुए नृत्यांगना ने अपनी भाव भंगिमा से माता जगदम्बा के विभिन्न रूपों की प्रस्तुति दी। कार्यक्रम का उद्घाटन बिहार सरकार के मंत्री जीवेश मिश्र ने किया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में प्रोफेसर सुरेंद्र प्रताप सिंह, कुलपति ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय, पंडित शशिनाथ झा कुलपति, कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय, विशिष्ट अतिथि नगर विधायक संजय सरावगी, गौरा बोराम की विधायक स्वर्णा सिंह, वीरेंद्र पासवान विधायक रोसड़ा, पूर्व विधान पार्षद डॉक्टर दिलीप कुमार चौधरी, पूर्व कुलपति संस्कृत विश्वविद्यालय पंडित देव नारायण झा मौजूद थे। कार्यक्रम की अध्यक्षता डॉक्टर विनोद कुमार चौधरी पूर्व विधान पार्षद ने की। प्रस्तावक प्रोफेसर जीवकांत मिश्र और समर्थन प्रोफेसर विजयकांत झा ने दिया। DM ने की नल जल योजना को लेकर ऑनलाइन बैठक, 20 दिसंबर तक कार्य पूर्ण करने का अल्टीमेटम।
डीएम ने की नल जल योजना को लेकर ऑनलाइन बैठक, 20 दिसंबर तक योजनाओं को पूर्ण करने का दिया गया अल्टीमेटम। समाहरणालय परिसर अवस्थित अंबेडकर सभागार में जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम ने प्रखंड के वरीय पदाधिकारियों, प्रखंड विकास पदाधिकारी, मुखिया, पंचायत सचिव, वार्ड सदस्य, वार्ड सचिव, लेखापाल, तकनीकी सहायक के साथ वार्डों में चल रहे नल जल योजना की समीक्षा की। उल्लेखनीय है कि जिला पदाधिकारी ने आदेश जारी करके प्रखंड के सभी वरीय पदाधिकारियों को सप्ताह में 3 दिन क्षेत्र भ्रमण कर योजनाओं की जाँच करने के निर्देश दिए। 2 दिनों से वे सभी नल जल योजनाओं की जांच कर रहे हैं। सभी वरीय पदाधिकारियों से भी जांच के संबंध में फीडबैक लिया गया तथा जहां भी योजना अपूर्ण मिली उसे 20 दिसंबर तक विशेष अभियान चलाकर सभी संबंधित वार्ड सदस्य, मुखिया, पंचायत सचिव, वार्ड सचिव, लेखापाल को टीम वर्क की भावना से काम करके पूर्ण कराने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि नल जल योजना सरकार की महत्वाकांक्षी योजना के साथ साथ जनोपयोगी योजना है और इसे हर हाल में पूरा करना है। कुछ चुनौतियां हैं लेकिन इससे सभी को स्वच्छ जल प्राप्त होता है, इसलिए सभी मिलकर काम करें और 100% सभी योजनाओं को पूर्ण करावें। उन्होंने कहा कि यह भी सही है कि 80% वार्डों में कार्य बहुत ही अच्छा हुआ है लेकिन 10-15% वार्डों में अभी भी योजना अपूर्ण है, जिनके कई कारण हैं। कहीं आपसी विवाद है, कहीं अग्रिम राशि की निकासी कर ली गई है लेकिन अभी तक योजना पूर्ण नहीं कराई गई है। कहीं बाढ़ के कारण पाइप क्षतिग्रस्त हो गए हैं, कहीं नाला निर्माण के कारण पाइप कट गया है। इन छोटी छोटी समस्याओं का निराकरण प्रखंड विकास पदाधिकारी अपने स्तर पर अनुसमन करके संबंधित वार्ड क्रियान्वयन समिति के माध्यम से करा लें। वरीय पदाधिकारियों द्वारा किए गए निरीक्षण में यह बात भी छनकर आ रही है कि सभी पंचायत में 3-4 वार्ड ऐसे पाए जा रहे हैं जहां काम नहीं हो पा रहा है। अगर अग्रिम राशि की निकासी करके काम नहीं किया गया है तो संबंधित के विरुद्ध नीलाम पत्रवाद दायर किया जाएगा एवं कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। जिलाधिकारी ने सभी प्रखंड के वरीय पदाधिकारियों से एक एक कर उनके भ्रमण के दौरान की गई जाँच के संबंध में जानकारी ली। प्राप्त जानकारी में वरीय पदाधिकारियों द्वारा जो अवगत कराया गया उनमें कई वार्डों में नाला निर्माण के कारण पाइप कट गया है, कहीं भारी वाहन के चलते पाइप कट गया है तो कहीं आपसी विवाद के कारण जमीन से पाइप नहीं ले जाने दिया जा रहा है। अधिकतर वार्डों में कार्य पूर्ण कराया गया है तथा स्वच्छ जल भी लोगों को प्राप्त हो रहा है। वरीय पदाधिकारियों द्वारा 6-7 वार्डों का निरीक्षण किया गया जिनमें 1-2 वार्डों में कुछ समस्याएं पाई गई। जिलाधिकारी ने इन छोटे छोटे कारणों को आपसी समन्वय के साथ 15 दिनों के अंदर दुरुस्त करा लेने का निर्देश दिया है। उन्होंने कहा जहां बाढ़ से पाइप की क्षति हुई है उनका आकलन करवा करके प्रखंड विकास पदाधिकारी, पंचायत राज विभाग को उपलब्ध करा दें, इसके विरुद्ध आवंटन की मांग की जाएगी। समीक्षा के दौरान जानकारी मिली कि कई जगहों पर कुछ लोगों द्वारा पाइप ले जाने के दौरान यह योजना पूर्ण कराने में व्यवधान भी उत्पन्न किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि यदि कोई व्यक्ति इस योजना में बाधा उत्पन्न करने का प्रयास करेगा या सरकारी संपत्ति को क्षतिग्रस्त करेगा तो उसके विरुद्ध कार्रवाई होगी। ताम्रपत्र से सम्मानित होंगे संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर शशिनाथ झा। ताम्रपत्र से सम्मानित होंगे संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलपति। चेतना समिति पटना द्वारा इस बार संस्कृत विश्वविद्यालय के विद्वान कुलपति डॉक्टर शशिनाथ झा को ताम्रपत्र से सम्मानित किया जाएगा। संस्कृत भाषा साहित्य के सृजन व संवर्धन के साथ साथ अनुसंधान के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए डॉक्टर झा को कल 29 नवंबर को समिति द्वारा पटना के विद्यापति भवन में आयोजित 67वें विद्यापति स्मृति पर्व समारोह के ऐतिहासिक अवसर पर सम्मानित किया जाएगा। उक्त जानकारी देते हुए उप कुल सचिव निशिकांत ने बताया कि मिथिला के विद्वान साहित्यकार, कला शिल्पी, मैथिल व मैथिली को प्रतिष्ठा दिलाने में अग्रणी रहने वालों को समिति हर साल सम्मानित करती है। समिति के सचिव उमेश मिश्र ने इस आशय का पत्र जारी करते हुए गौरव महसूस किया है। वहीं कुलपति डॉक्टर झा को ताम्र पत्र दिए जाने की घोषणा से संस्कृत विश्वविद्यालय के सभी विद्वानों समेत अन्य कर्मियों में खुशी है। मिथिला विश्वविद्यालय के सिंडिकेट की बैठक संपन्न, कुछ मुद्दों को छोड़ सभी प्रस्तावों पर लगी मुहर। मिथिला विश्वविद्यालय के सिंडिकेट की बैठक संपन्न, कुछ मुद्दों को छोड़ सभी प्रस्तावों पर लगी मुहर। अविशद की बैठक में कुलपति, प्रतिकुलपति, कुलसचिव समेत कई सदस्य पहली बार हुए शामिल। एक वर्ष बाद हुई सिंडिकेट की वास्तविक बैठक। नैक की तैयारी के लिए कुलपति को किया गया अधिकृत। चयन समिति की अनुशंसा के पश्चात रुके हुए शिक्षकों, प्रधानाचार्यों की प्रोन्नतियों की अधिसूचना निर्गत की जाएगी। दूरस्थ शिक्षा निदेशालय में नामांकन प्रारंभ कराने के लिए आवश्यक कार्रवाई हेतु कुलपति को किया गया अधिकृत। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के
सिंडिकेट की बैठक कुलपति प्रोफेसर सुरेंद्र प्रताप सिंह की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक में प्रस्तावित कुछ मुद्दों जिस पर राजभवन की जांच चल रही है उसे तत्काल स्थगित रख अन्य सभी प्रस्तावों को पारित किया गया। प्रस्तावों में शिक्षकों, कर्मचारियों एवं छात्रों से जुड़े सभी मामले सर्वसम्मति से पास किए गए। अनुकंपा के आधार पर शेष बचे हुए पालियों को शीघ्र नियुक्त करने का निर्णय लिया गया। ज्ञातव्य हो कि एक वर्ष से विश्वविद्यालय में सिंडिकेट की बैठक नहीं हो रही थी। पिछले वर्ष सीनेट की बैठक से पूर्व जो सिंडिकेट की बैठक हुई थी उसके बाद से पूर्व कुलपति प्रोफेसर एस के सिंह का कार्यकाल समाप्त होने एवं विश्वविद्यालय में तदर्थ कुलपतियों की नियुक्ति के कारण सिंडिकेट की बैठक नहीं हो सकी थी। न्यूज टुडे पर खबरें अभी और भी हैं, वक्त एक ब्रेक का है। फॉर्मूला टीम क्वालिटी एजुकेशन विद ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ योर वार्ड हैरो इंग्लिश स्कूल दरभंगा, रिच लाइब्रेरी, वेल इक्विप्ड सेपरेट कंप्यूटर, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो एंड मैथमेटिक्स लैब्स, इंडोर एंड आउटडोर गेम्स, जीपीएस इनेबल्ड बेस ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, सीसीटीवी सर्विलांस, 5 acres एनवायरमेंट फ्रेंडली कैंपस, ऑल क्लासरूम्स आर एज पर सीबीएसई नॉर्म्स, नो री एडमिशन चार्जेस फॉर ओल्ड स्टूडेंट्स। महासेठ टेक्सटाइल्स बाकरगंज लहेरिया सराय दरभंगा, शूटिंग, शर्टिंग, साड़ियां ही साड़ियां, लेडीज सूट, लहंगा चुन्नी और भी बहुत कुछ, बेडशीट एवं पर्दों की भव्य रेंज खास आपके लिए। कैसा देखते हैं आप अपना कल, क्योंकि हमारे पास है आपके लिए संभावनाओं से भरी दुनिया। आइडियल पाथ नाका 5 के निकट उमा सिनेमा के सामने दरभंगा और प्रीमियर इंस्टीट्यूट फॉर नीट जेईई मेन एंड एडवांस प्लस टू बोर्ड प्री फाउंडेशन 7, 8, 9, 10th एंड NTSE KVPY ओलंपियाड के सर द्वारा संचालित। सोना, चांदी, डायमंड, कुंदन एवं नवरत्न के लिए पधारें गोल्ड हाउस ज्वेलर्स बाकरगंज लहेरिया सराय दरभंगा। आप सबों को धनतेरस, दीपावली एवं छठ पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। ब्रेक के बाद एक बार आप सबों का स्वागत। बढ़ेंगे आगे, नजर एक बार फिर हेडलाइंस। दरभंगा की 5 दुकानें सील, मास्क को लेकर सड़कों पर स्वयं चेकिंग करने उतरे डीएम और एसएसपी। बिहार में कोरोना के 713 नए मरीज, आंकड़ा 2,34,000 के बेहद करीब, टोटल एक्टिव केस 6,258। दरभंगा में भी बढ़ी संख्या, मिले 22 नए पॉजिटिव केस। डीएमसीएच में लगातार कलेक्ट किए जा रहे कोरोना के संदिग्ध मरीजों के सैंपल। भव्य शोभा यात्रा के साथ हुई त्रिदिवसीय मिथिला विभूति पर्व समारोह की शुरुआत, महापुरुषों की प्रतिमाओं पर माल्यार्पण, कोरोना गाइडलाइन का रखा जा रहा खास ध्यान। संध्या काल में आयोजित हुआ उद्घाटन सत्र, सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक जगत की जानी मानी हस्तियां रही उपस्थित। डीएम ने की नल जल योजना को लेकर ऑनलाइन बैठक, 20 दिसंबर तक पूर्ण करने का अल्टीमेटम। ताम्र पत्र से सम्मानित होंगे संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर शशिनाथ झा। मिथिला विश्वविद्यालय के सिंडिकेट की बैठक संपन्न, कुछ मुद्दों को छोड़ सभी प्रस्तावों पर लगी मुहर। पुलिस मुख्यालय पटना के आदेश पर चला समकालीन अभियान, 31 फरार आरोपी गिरफ्तार। मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक रोजगार योजना अंतर्गत आवेदनकर्ताओं को मिला एक और सुनहरा मौका और 113वीं जयंती पर याद किए गए महाराजाधिराज डॉक्टर सर कामेश्वर सिंह, कामेश्वर सिंह कल्याणी फाउंडेशन ने आयोजित किया कार्यक्रम। पुलिस मुख्यालय पटना के आदेश पर चला समकालीन अभियान, 31 फरार आरोपी गिरफ्तार। पुलिस मुख्यालय पटना के आदेश पर शुक्रवार की रात समकालीन अभियान चलाया गया, जहां 31 फरार आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। वहीं 20 लीटर विदेशी शराब सहित एक मोटरसाइकिल भी जब्त की गई है। एसएसपी बाबूराम ने बताया कि गिरफ्तार किए गए 30 आरोपियों में से 30 को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। लहेरिया सराय थाना क्षेत्र के बेलवागंज अंधेरिया बाग निवासी विक्रम महतो रंगदारी एवं मारपीट के मामले में लंबे समय से फरार चल रहा था, गिरफ्तार किया गया। विक्रम महतो पर रंगदारी सहित मारपीट के 3 मामले दर्ज हैं। वहीं अन्य थानों में भी विक्रम महतो के खिलाफ मामले दर्ज हैं या नहीं, इसकी तहकीकात की जा रही है। वहीं इमामबाड़ी निवासी राजू उर्फ दत्ता, जो धनराज सिंह के पुत्र बताए जाते हैं, उन पर भी रंगदारी एवं मारपीट करने का मामला दर्ज था। लंबे समय से राजू फरार चल रहा है। विदेशी शराब के साथ बाकरगंज निवासी महेंद्र पंजियार को भी गिरफ्तार कर लिया गया। मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक रोजगार योजना के तहत आवेदनकर्ताओं को मिला एक और सुनहरा मौका।
मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक रोजगार योजना के तहत आवेदनकर्ता को कागजातों का सत्यापन करने का एक और सुनहरा मौका मिला। 2 दिसंबर बुधवार को कागजातों का होगा सत्यापन। जिला अल्पसंख्यक कल्याण कार्यालय दरभंगा के द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक रोजगार ऋण योजना वर्ष 2019-2020 के तहत दरभंगा जिला के आवेदनकर्ता के कागजातों का सत्यापन समाहरणालय अवस्थित जिला अल्पसंख्यक कल्याण कार्यालय दरभंगा में 2 दिसंबर 2020 बुधवार को सुबह 11 बजे से शाम 5 बजे तक किया जाएगा। रोजगार के लिए ऋण चाहने वाले अल्पसंख्यक वर्ग के आवेदक को स्वयं उपस्थित होकर कागजात सत्यापन कराने का एक और अवसर दिया गया है। उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक रोजगार ऋण योजना वर्ष 2019-2020 के तहत दरभंगा जिला के आवेदनकर्ता के कागजातों का सत्यापन 16 सितंबर से 31 अक्टूबर तक निर्धारित था। इस अवधि में वंचित रहने वाले आवेदक जिनके द्वारा उक्त तिथि को कागजातों का सत्यापन नहीं कराया जा सका उन्हें पुनः एक और अवसर दिया गया है। इसके बाद भी यदि कोई आवेदक निर्धारित तिथि 2 दिसंबर को निर्धारित समय एवं स्थल पर उपस्थित नहीं होते हैं तो यह मान लिया जाएगा कि वे योजना अंतर्गत ऋण लेने के इच्छुक नहीं हैं एवं भविष्य में इस संबंध में उनसे किसी प्रकार का दावा स्वीकार नहीं होगा। न्यूज टुडे पर खबरें अभी और भी हैं, वक्त एक ब्रेक का है। फॉर्मुलाटिंग केवल फैशन ही नहीं, ये है आपका विश्वास। साड़ी हाउस फैशन डेस्टिनेशन जामा मस्जिद के सामने बाकरगंज लहेरिया सराय। साड़ी, सलवार सूट, लहंगा चुन्नी एवं सभी प्रमुख कंपनियों के लेडीज मेंस एंड किड्स वेयर की फुल रेंज। मिथिलांचल का गौरव 31 वर्षों से आपकी सेवा में तत्पर। रूप अलंकार ज्वेलर्स 100% हॉलमार्क ज्वेलरी शॉप बाकरगंज लहेरिया सराय दरभंगा। 100% प्योर सोना चांदी एवं हीरे के आभूषणों का विश्वसनीय प्रतिष्ठान। शुद्धता के साथ मनपसंद और मनमोहक डिजाइन। अपने बिजनेस को दीजिए ऊंची उड़ान हमारे साथ। चांदनी कॉम्प्लेक्स मेन रोड नियर भगत सिंह चौक देना बैंक बिल्डिंग दरभंगा, जहां उपलब्ध है 1500 स्क्वायर फीट का कॉमर्शियल स्पेस, बैंक ऑफिस शोरूम सहित विभिन्न व्यवसाय के लिए उपयुक्त। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 9835687786 पर। ब्रेक के बाद एक बार पुनः आप सबका स्वागत। बढ़ेंगे आगे नजर एक बार फिर हेडलाइंस। दरभंगा की 5 दुकानें सील, मास्क को लेकर सड़कों पर स्वयं चेकिंग करने उतरे डीएम और एसएसपी। बिहार में कोरोना के 713 नए मरीज, आंकड़ा 2,34,000 के बेहद करीब, टोटल एक्टिव केस 6,258। दरभंगा में भी बढ़ी संख्या, मिले 22 नए पॉजिटिव केस। डीएमसीएच में लगातार कलेक्ट किए जा रहे कोरोना के संदिग्ध मरीजों के सैंपल। भव्य शोभा यात्रा के साथ हुई त्रिदिवसीय मिथिला विभूति पर्व समारोह की शुरुआत, महापुरुषों की प्रतिमाओं पर माल्यार्पण, कोरोना गाइडलाइन का रखा जा रहा खास ध्यान। संध्या काल में आयोजित हुआ उद्घाटन सत्र, सामाजिक राजनीतिक और सांस्कृतिक जगत की जानी मानी हस्तियां रही उपस्थित। डीएम ने की नल जल योजना को लेकर ऑनलाइन बैठक, 20 दिसंबर तक पूर्ण करने का अल्टीमेटम। ताम्र पत्र से सम्मानित होंगे संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर शशिनाथ झा। मिथिला विश्वविद्यालय के सिंडिकेट की बैठक संपन्न, कुछ मुद्दों को छोड़ सभी प्रस्तावों पर लगी मुहर। पुलिस मुख्यालय पटना के आदेश पर चला समकालीन अभियान, 31 फरार आरोपी गिरफ्तार। मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक रोजगार योजना अंतर्गत आवेदनकर्ताओं को मिला एक और सुनहरा मौका। और 113वीं जयंती पर याद किए गए महाराजाधिराज डॉक्टर सर कामेश्वर सिंह, कामेश्वर सिंह कल्याणी फाउंडेशन ने आयोजित किया कार्यक्रम। 113वीं जयंती पर याद किए गए महाराजाधिराज डॉक्टर सर कामेश्वर सिंह कल्याणी फाउंडेशन ने आयोजित किया कार्यक्रम। 113वीं जयंती पर याद किए गए महाराजाधिराज डॉक्टर सर कामेश्वर सिंह कल्याणी निवास में आयोजित हुआ कार्यक्रम। महाराजाधिराज डॉक्टर सर कामेश्वर सिंह की जयंती मनाई गई। महाराजाधिराज कामेश्वर सिंह कल्याणी फाउंडेशन दरभंगा में 113वीं जयंती के अवसर पर इस वर्ष कामेश्वर सिंह बिहार हेरिटेज सीरीज के अंतर्गत रास बिहारी लाल दास रचित मिथिला दर्पण का द्वितीय संस्करण जारी किया गया। कामेश्वर सिंह स्मृति व्याख्यान प्रख्यात इतिहासविद प्रोफेसर रत्नेश्वर मिश्र, पूर्व विभागाध्यक्ष विश्वविद्यालय इतिहास विभाग मिथिला विश्वविद्यालय दरभंगा ने दिया। प्रोफेसर मिश्र ने राष्ट्रवाद का भारतीय संदर्भ ऐतिहासिक आयाम विषय पर व्याख्यान देते हुए कहा कि भूमंडलीकरण के युग में राष्ट्रवाद पर चर्चा विडंबनापूर्ण है किंतु अप्रत्याशित नहीं।
इस जयंती समारोह में 1932 से 1962 के मध्य राज दरभंगा द्वारा विभिन्न अवसरों पर फिल्माए गए 19 फिल्मों और हजारों फोटोग्राफ के आधार पर तैयार की गई फिल्म दास्ताने दरभंगा प्रदर्शित की गई। इस फिल्म के माध्यम से मिथिला के भव्य अतीत का पता चलता है। कार्यक्रम की शुरुआत भगवती वंदना से हुई, तत्पश्चात महाराजाधिराज के चित्र पर माल्यार्पण कर उनका स्मरण किया गया। आगत अतिथियों का स्वागत डॉक्टर मानस बिहारी वर्मा ने किया और धन्यवाद ज्ञापन डॉक्टर रामचंद्र झा ने किया। मंच संचालन फाउंडेशन के कार्यकारी अधिकारी श्रुतिकर झा ने किया। इस अवसर पर पारसनाथ सिंह ठाकुर समेत पूरा कल्याणी फाउंडेशन परिवार मौजूद था। कर रहे हैं या भारत के संदर्भ में राष्ट्र की चर्चा कर रहे हैं तो उसके विषय में मैं आपको कहूं कि आप चाहें तो अभी तुरंत एक प्रश्न पूछ कर देखिए, क्या भारत एक राष्ट्र है? तो आपको दो उत्तर मिलेंगे। एक तो स्पष्ट रूप से हां है, सकारात्मक। एक ही आदमी सही, लेकिन ऐसा बोलने वाला भी निकलेगा नहीं भारत एक राष्ट्र नहीं है, वो भी उतना ही मन है तो वो नकारात्मक उत्तर, लेकिन दोनों ही सकारात्मक उत्तर और नकारात्मक उत्तर पूरी तरह से निश्चयात्मक उत्तर होते हैं। डेफिनेटिव जरा भी अपनी जगह से हिलने वाला नहीं, दोनों इसके लिए लड़ जाने को तैयार। ऐसे में इतिहासकारों ने विद्वानों ने भारतवर्ष के राष्ट्रवाद को जिस तरह से देखा, बहुत तेजी से मैं उसके बारे में कहूँ तो दो समाजशास्त्री हैं एस.एल. शर्मा और टी.के. उमेर, वो कहते हैं कि भारत मल्टी नेशनल स्टेट है, जिसकी चर्चा मैं पहले भी कर गया, यह बहुराष्ट्रीय राज्य है। रामचंद्र गुहाज बड़े प्रसिद्ध इतिहासकार हैं, वो कहते हैं कि भारत एक अननेचुरल नेशन है, राष्ट्र तो है पर अप्राकृतिक है, प्राकृतिक नहीं है। तीसरे हैं आदित्य निगम, वो कहते हैं कि भारत में राष्ट्रवाद तो है पर बिना राष्ट्र के, राष्ट्र है ही नहीं लेकिन राष्ट्रवाद है। भारत नाम का राज्य है, उसके अंदर कोई राष्ट्र नहीं है, अनेक राष्ट्र हैं या नहीं है और पर उसमें राष्ट्रवाद है। सुनील खिलनानी सब में सबसे यंग हिस्टोरियन है, वो कुछ कहते तो नहीं है पर एक तुलना करते हैं, वो कहते हैं भारत का राष्ट्रवाद जो है वो धोती की तरह है, एक ही धोती है बड़ी सी है लेकिन उसको जब मोड़िए तो अनेक फोल्ड है। भारत का राष्ट्रवाद बड़ा सा राष्ट्रवाद है पर उसमें तह अनेक गहनता है। ये राष्ट्रवाद भी आधुनिक अर्थों में भारत के कल्पना में उतर सका पहली बार 1885 में, जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने बंबई में अपना पहला अधिवेशन बुलाया। उसी के तीसरे चौथे अधिवेशन की मैं बात कर रहा था जो इलाहाबाद में हुआ। अब मैं पहले अधिवेशन की बात करता हूं जहां अध्यक्ष थे व्योमेश चंद्र बैनर्जी, W.C. बैनर्जी। उन्होंने अपने अध्यक्षीय भाषण में कहा कि दिस इज द फर्स्ट कन्वीन्ड नेशनल असेंबली ऑफ इंडिया, ये भारत का पहला आहूत राष्ट्रीय सभा है। ये जब तक के समाचार, बदलेंगे आपसे नजर एक बार फिर हेडलाइंस। दरभंगा की 5 दुकानें सील, मास्क को लेकर सड़कों पर स्वयं चेकिंग करने उतरे डीएम और एसएसपी। बिहार में कोरोना के 713 नए मरीज, आंकड़ा 2,34,000 के बेहद करीब, टोटल एक्टिव केस 6,258। दरभंगा में भी बढ़ी संख्या, मिले 22 नए पॉजिटिव केस। डीएमसीएच में लगातार कलेक्ट किए जा रहे कोरोना के संदिग्ध मरीजों के सैंपल। भव्य शोभा यात्रा के साथ हुई त्रिदिवसीय मिथिला विभूति पर्व समारोह की शुरुआत, महापुरुषों की प्रतिमाओं पर माल्यार्पण, कोरोना गाइडलाइन का रखा जा रहा खास ध्यान। संध्या काल में आयोजित हुआ उद्घाटन सत्र, सामाजिक राजनीतिक और सांस्कृतिक जगत की जानी मानी हस्तियां रही उपस्थित। डीएम ने की नल जल योजना को लेकर ऑनलाइन बैठक, 20 दिसंबर तक पूर्ण करने का अल्टीमेटम। ताम्र पत्र से सम्मानित होंगे संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर शशिनाथ झा। मिथिला विश्वविद्यालय के सिंडिकेट की बैठक संपन्न, कुछ मुद्दों को छोड़ सभी प्रस्तावों पर लगी मुहर। पुलिस मुख्यालय पटना के आदेश पर चला समकालीन अभियान, 31 फरार आरोपी गिरफ्तार। मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक रोजगार योजना अंतर्गत आवेदनकर्ताओं को मिला एक और सुनहरा मौका।
और 113वीं जयंती पर याद किए गए महाराजाधिराज डॉक्टर सर कामेश्वर सिंह, कामेश्वर सिंह कल्याणी फाउंडेशन ने आयोजित किया कार्यक्रम। ये थी अभी तक की खबरें। इसके साथ ही दीजिए हमें इजाजत। अगले प्रसारण में आपके क्षेत्र, आसपास के इलाके और जिले की तमाम ताजा और नई खबरों को समेटे अपने सभी सहयोगियों के साथ हम पुनः होंगे हाजिर। तब तक के लिए न्यूज टुडे की पूरी टीम के साथ दीजिए संतोष को विदा। आप देखते रहिए मिथिलांचल का पहला डिजिटल न्यूज नेटवर्क न्यूज टुडे दरभंगा। हमारे चैनल को सिटी केबल के 279 नंबर पर देखिए। यूट्यूब में सर्च करें न्यूज टुडे दरभंगा, इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। पूरी टीम के साथ दीजिए संतोष को विदा। नमस्कार, जय हिंद।